नमस्कार। ट्रेनिंग में आए हुए सभी पार्टिसिपेंट को मेरा सादर अभिनंदन। अभी मैं आप लोगों को कुछ बेसिक प्रोपागेशन टेक्निक के बारे में प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। नमस्कार, मैं अभी पहले काटिंग के बारे में कुछ प्रैक्टिकल करके देखना चाहता हूँ। जनरली तीन चीज का काटिंग होता है, सॉफ्टवुड कटिंग, सेमी हार्डवुड कटिंग, हार्डवुड कटिंग। फ्लोरिकल्चर में जो घर में फूल होता है मोस्टली वो सॉफ्टवुड कटिंग का होता है, जो हर्बेसियस कटिंग भी बोलते हैं, जैसे गुलदाउदी, इसमें मोस्टली सॉफ्टवुड कटिंग मतलब हर्बेसियस कटिंग होता है, और क्या डालिया। तो ये दोनों क्रॉप में आपको हमेशा याद रखना चाहिए ये दोनों काटिंग से कैसे करेंगे। तो मोस्टली जब कुछ क्रॉप होता है जिसमें डिफ़िकल्ट टू कटिंग होता है, रूटिंग होता है, तो वो रूट को निकालने के लिए हम लोग IBA का इस्तेमाल करते हैं। तो IBA एक हार्मोन है, इंडोल ब्यूटाइडिक एसिड, जो रूटिंग में मदद करते हैं। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, जो रूटिंग का नीचे वाला पार्ट इसमें डीप कर देते हैं। अभी देखिए कैसे हम सॉफ्ट टूथ काटिंग का तैयार करेंगे। इसमें आप चाकू से भी कर सकते हैं छोटा, और कैंची से भी कर सकते हैं। हम आपको दिखाते हैं छोटा छोटा टुकड़ा कैसे बनाते हैं। इसके लिए ये मेन ब्रांच से निकला हुआ जो हर्बेसियस ब्रांच है, हम लोग ऐसे छोटा छोटा कटिंग बना लेंगे। अलग अलग हम कटिंग लाए हैं। पोस दिया। अभी हम इसको IBA से डीपिंग करेंगे। IBA से डीपिंग करके भीगा हुआ जो सैंड है इसमें हम लोग डाल देते हैं। कुछ दिन बाद इसमें आपको रूटिंग तैयार हो जाएगा। इस तरह से आप बहुत आसानी से हर्बेसियस कटिंग तैयार कर सकते हैं। फ्लोरिकल्चर में इस तरह बहुत सारा फूल में हर्बेसियस काटिंग होता है, आप इजीली ये चीज कर सकते हैं। स्टार्ट नाउ। मैं सेमी हार्डवुड काटिंग के क्रोटोन को दिखाऊंगा। क्रोटोन ऐसा स्पीसीज है जिसमें बहुत सारा कलर का लीफ में वेरिएशन होता है, और बहुत आसानी से ये प्रोपागेट होता है। जनरली इसको छोटा छोटा काटिंग इस तरह से टुकड़ा करना चाहिए। आप देख रहे हैं इस तरह हम काटिंग बना लिए। अभी क्या है, इसके लिए उतना रूटीन के लिए उतना दिक्कत नहीं होता है, जैसे हम लोग को IBA ट्रीटमेंट करने का ज़रूरत है। तो ये डायरेक्टली हम इस तरह से रूटीन मीडिया में जो रूटीन सैंड में डाल देते हैं। कुछ दिन बाद हमें इससे सीट मतलब कटिंग्स मिल जाएगा, आप इस तरह देख सकते हैं। लेकिन आप एक चीज़ ऑब्जर्व रखिएगा, ये जनरली बरसात में बहुत आसानी से रूटीन होता है। अभी खड़े हैं जहाँ हमारा मदर ब्लॉक है। यहाँ बहुत सारा आपको प्लांट है जो ऑर्नामेंटल, आप देख सकते हैं इस तरह से ये जो प्लांट है हम इजीली इस तरह से काट लेते हैं, और जो इजीली नहीं कटेगा यहाँ नोड से इसको सेपरेट करने की ज़रूरत है, देख लीजिए। तो इस तरह से ये हमारा ड्रेसिना है, यहाँ ड्रेसिना का छोटा छोटा टुकड़ा देखिए, जैसे छोटा छोटा प्लांट मटेरियल रहता है, इसको जस्ट सेपरेट करना होता है। आप अब रूटीन मीडिया डालेंगे तो आसानी से ये लोग रूटीन हो जाते हैं, देख सकते हैं। और इसके साथ साथ हम आपको वो भी दिखाएंगे हमारा जो इस ब्लॉग में है। आपको ये है सिंगोनियम पोडोफाइलम, बहुत कॉमन प्लांट है, बहुत लोग इंडोर में यूज़ करते हैं। सिंगोनियम पोडोफाइलम है, और इसके साथ आपको एक्लाउनेमा है, यहाँ देख रहे हैं एक्लाउनेमा, छोटा छोटा एक्लाउनेमा है। तो इस तरह से हम लोग मेंटेन कर रहे हैं। तो हम लोग चलते हैं फिर। अभी हम लोग ये छोटा छोटा नोड बना रहा हूँ, ये नोड से भी इजीली प्रोपागेशन होता है। आप जनरली कोशिश करेंगे दो नोड रखने के लिए। ये नोड में कैसे प्रोपागेशन होता है, एक नोड बाहर रहेगा, एक नोड अंदर रहेगा। इस तरह से आप
मीडिया में डालेंगे तो आपको इजीली, और ये टॉप वाला पोर्शन आप यहाँ मीडिया में डाल दीजिए, इजीली ये रूटिंग फॉर्मेशन हो जाएगा। और सिमिलरली जो ये प्लांट लाया था छोटा छोटा, इसको भी हम मीडिया में डाल देते हैं। ये बालू में भी होता है, प्लस इवन हम मिट्टी में भी डालेंगे तो इजीली प्रोपागेट हो जाता है। स्टार्ट। अभी हम लोग आपको सेपरेशन टेक्निक के बारे में बताएंगे, जो मोस्ट ऑफ द बहुत सारा क्रॉप में जो स्लीप्स होता है, मेन पौधा के पास से छोटा छोटा साकार निकालता है जहाँ से स्लीप्स होता है। जैसे ये आप देख रहे हैं स्नेक प्लांट्स, तो स्नेक प्लांट्स में क्या होता है, आजकल बहुत डिमांड है, दिखा गया है ये डिफरेंट टाइप ऑफ पॉल्यूटेंट रूम से निकालते हैं, पर्टिकुलर लेबोरेटरी के लिए बहुत लोग रखते हैं, इवन घर में भी रखते हैं पॉल्यूटेंट रिमूव करने के लिए। तो ये स्नेक प्लांट जो ये सकर्स बनते हैं, सिमिलरली यहाँ आप देख रहे हैं जेब्रिना, जेब्रिना के साइड से बहुत सारा सकर इस तरह से तैयार होता है। और ये है मारंटा, काफ़ी सुंदर पौधा है ये, आप अगर घर में रखेंगे, सेड लविंग प्लांट है, बहुत इजीली ग्रो करते हैं, स्लीप से सेपरेट होता है। और हम यहाँ दिखाएंगे एरिका पाम, एरिका पाम आप लोग बहुत जगह देखे हैं, बहुत हार्डी प्लांट है और पानी देने से एक ब्यूटी देते हैं, क्योंकि एक करीब 6 फुट 7 फुट होता है, इवन उससे भी ज़्यादा होता है। दूसरा बात है इसका लीव्स जो होता है, इसका फ्लावर डेकोरेशन के लिए यूज़ होता है। तो ये प्लांट जहाँ बहुत जगह प्रैक्टिकली प्रॉफिटेबल है, तो हम दिखाते हैं इसको कि सब प्लांट को कैसे सेपरेट करते हैं। अभी देखिए ये जो स्नेक प्लांट, इस तरह से आप सेपरेट कर सकते हैं, देखिए यहाँ हम दिखा दिया। तो स्नेक प्लांट आप एक एक प्लांट इस तरह से आप मीडिया में डालिए, सिंपल प्रोसेस है। जनरली आप लोग इस तरह पॉली पाउच में नर्सरी में करते हैं, जो हम लोग मेन पौधा को सेपरेट कर रहे हैं उसी लिए इस तरह से सेपरेट करके दिखा रहा हूँ। तो ये स्नेक प्लांट्स हो गया। इसके बाद ये जो पॉली पैक से आप मान लीजिए नर्सरी से खरीद के लाए हैं, इस पॉली पैक को सेपरेट करना होता है। करने के बाद ये है हमारा मारंटा, मारंटा बहुत वंडरफुल प्लांट है, इस तरह से इसको आप देख सकते हैं कितना बढ़िया, इसको आप यहाँ से देखिए नज़दीक से, ये एक अंडरग्राउंड स्टोलन तैयार करते हैं, स्टोलन से इजीली इसको आप यहाँ से सेपरेट होता है। देखिए यहाँ से हम दो टुकड़ा बना के दो प्लांट बना दिया, नाउ हम इजीली इस तरह से पौधा बना लेंगे। बंद करो, पॉज दे दिया, सर पॉज दो। हाँ, नाउ हम लोग सेपरेशन करते हैं एरिका पाम को, देख रहे हैं इस तरह काट लिया हम लोग। अभी सेपरेट कैसे करेंगे, इस तरह से देखिए, तो एक्चुअली इसमें नीचे से साकार होता है, तो ये आसानी से बहुत तरह इजीली, लेकिन ये इजीली जो साकार सेपरेट हुआ है, ये आपको दो ही सेपरेट से कर सेपरेट हुआ है, तो हम इसको फिर से पॉट कर सकते हैं, पॉट करके फिर अगर लगाएंगे तो आप देख सकते हैं कैसे हम कर रहे हैं, बहुत आसानी से हो जाता है इस तरह से। आप पॉज़ दो, पॉज़ दो, शुरू करो। हो गया, तो ये आपको पॉटिंग हो गया, सेपरेट करके हम एक पॉट में कर दिया। इस तरह से हम जेब्रिना को भी सेपरेट करते हैं, देखिए बहुत इंटरेस्टिंग प्लांट है। इस तरह से आप ये देखिए, इस तरह से सेपरेट हो जाता है। एक पौधा से काफ़ी हम पौधा सेपरेट करके बना सकते हैं। तो नाउ पॉज़ दो,
रेडी हो गया स्टार्ट। ये रेडी हो गया, अब देख रहे हैं चिपरीना प्लांट पॉटिंग कर दिया स्टार्ट। ये आप स्ट्रॉबेरी का प्लांट देख रहे हैं, ये जनरली स्टोलोन से प्रोपेगेट होता है, अभी नहीं आया, एक ओल्ड प्लांट है, हम लोग इसको अभी नया पॉट में लगा देते हैं और इसको अभी मेंटेन करके रखना चाहिए। विंटर के पहले इसमें अच्छा खासा स्टोलोन आएगा, जो स्टोलोन से हमारा प्रोपेगेट होगा। तो और इसके बाद हम लोग देखेंगे एक इंटरेस्टिंग प्लांट, ये है कैलाडियम, आप लोग देखे हैं अरवी की तरह छोटा छोटा इसमें कॉर्म होता है, आप देखिए देख सकते हैं छोटा छोटा कॉर्म इसमें होता है, तो ये कॉर्म से आपको प्रोपेगेशन होता है बहुत इजीली, नया नया प्लांट निकालते हैं, आप ये देख सकते हैं ये काफ़ी सुंदर है, सेड लविंग प्लांट है, इंडोर प्लांट में बहुत बढ़िया से ये हो सकता है, आप इजीली मेंटेन कर सकते हैं। तो ये है कॉर्म प्रोपेगेशन फ्लोरिकल्चर में बहुत, हम लोग आपको कुछ देर बाद कुछ फोटो दिखाएंगे, कैलाडियम का काफ़ी तरह वेरिएशन होता है। नाउ आप देखेंगे इसको कैसे हम लोग सेपरेट करने के बाद इस तरह मिट्टी डाल देते हैं। नाउ ये कॉलो जो आपको कैलाडियम का है, इस तरह पौधा को हम सेपरेट करके लगा देते हैं, लगाने के बाद इसमें अच्छा खासा मार्च मिट्टी दे के इसमें डाल दे रहा हूँ। लगाओगे ये चीज कि बंद कर, बंद कर। एलोवेरा, ये है एलोवेरा प्लांट, ये एलोवेरा प्लांट बहुत कॉमन प्लांट है, बहुत इजीली प्रोपागेट कर सकते हैं, बहुत इजीली मेंटेन कर सकते हैं। आजकल जो बेल्कोनी गार्डन में सब लोग एटलीस्ट एक एलोवेरा पौधा रख रहा है, क्योंकि इसका मल्टीपल यूज़ है। तो हम देखते हैं इसको कैसे प्रोपागेशन करें, बहुत आसान प्रोपागेशन है। ये जो देख रहे हैं ये स्लीप्स है, जस्ट नियर बाई एरिया में ये छोटा छोटा स्लीप्स निकालता है, ये देखिए कितना आसानी से सेपरेट हो गया। अभी ये स्लीप्स को अगर चाहे तो आप मिट्टी में सेपरेट करके लगा सकते हैं, नहीं तो छोटा छोटा पॉट में आप लगा सकते हैं। नाउ हम लोग यहाँ देख रहे हैं ये है जेफिरंथस बाल्ब, जेफिरंथस बाल्ब बहुत सुंदर प्लांट्स है, ये है जेफिरंथस बाल्ब, ये बल्बस प्लांट्स, एक बार लगाने से बहुत सारा नया बाल्बेड निकालता है, इसमें काफ़ी कलर का होता है जैसे येलो वाइट रेड पिंक। तो ये आपको बरसात में, जब बरसात होगी तब इसमें फ्लावर आता है, और बहुत इजीली आपको ऑनलाइन भी आप देख सकते हैं, बहुत सारा मार्केटिंग एजेंसी 10 बाल्ब को 200 रुपया में बिक रहे हैं, तो बहुत आसानी इजीली ये प्लांट मल्टीप्लाई करते हैं, लार्ज सेट होता है, ये इन स्पॉट में बहुत आसानी से ट्रांसप्लांटिंग भी होता है, इस तरह हम लोग ट्रांसप्लांटिंग कर देते हैं अलग अलग एरिया में, आप देख सकते हैं। तो ये मास इफेक्ट के लिए बहुत अच्छा जाना जाता है,